देखिए इलेक्शन कमीशन का मन बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में इलेक्शन लॉज है, रूल है और लॉ है। अगर इस सारी चीज को एक तरफ छोड़कर इलेक्शन कमीशन यहाँ पर कोई दूसरा तरीका इख्तियार करके कोई यहाँ के लोगों को फिर वो जैसे डक्स की तरह वो मारना चाहते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन हमने अपना व्यू पॉइंट उनको दे दिया। अब इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है, उसको चाहिए कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी को, और मैंने शांत मोहन जी को ये भी बताया कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी से बराबर उसका ख्याल रखना चाहिए। हमसे पूछा गया क्या इलेक्शन डेफर किए जाएंगे अनंतनाग में, हमने वही कह दिया कि इट्स टू लेट फॉर टू डिसाइड वेदर दिस शुड बी डेफर और नॉट। देखिए जहाँ तक हमारे इलेक्शन कमीशन ने आज मीटिंग बुलाई है, सबसे पहले ये हमने कहा जिस वक्त हमने इलेक्शन का ऐलान किया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो खासकर अपोजिशन वालों को आपने ऑनबोर्ड नहीं लिया है, और आज जब डेफर करना चाहें सरकार के कहने पे, तो इस वक्त भी हमें उन्हीं के कहने पे आप डेफर करने की सोच रहे हो। हमने कहा पहले भी आपने नहीं पूछा और आज भी आप हमारे लिए बहाना हमसे जैसे ये अंगूठा करना चाहते हैं या हमारे से अंगूठा लेना चाहते हैं कि हम डेफर इलेक्शन करें। जहाँ तक सवाल है अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो कि सिक्योरिटी देने में फेल हो गई इस इलेक्शन में, यहाँ दिल्ली से लेके नाकाम। हमें तो पहले अंदेशे थे कि इलेक्शन होना नहीं चाहिए, हमने इलेक्शन जम्मू कश्मीर के आवाम खासकर कश्मीर के आवाम पे नहीं तो ये अगर इलेक्शन करवाए यहाँ के सरकार के रिपोर्ट पे हुआ है, क्योंकि आज ये गलत बोल रहे हैं कि हमने पहले बोला था कि इलेक्शन यहाँ मत करो, ये जम्मू कश्मीर सरकार की ही थी जिन्होंने इनको लिख के दिया था यस हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ तक कल के मसले का सवाल, कल जहाँ यहाँ इतने जान जाया हुए, हमें इस बात का अफसोस था और अंदेशा था ये होने वाला है, क्योंकि हमें पता था माहौल इस किस्म का है जहाँ इलेक्शन का माहौल नहीं है। तो क्या मीटिंग में हमने पार्टी का व्यू पॉइंट ये रखा कि क्यों कल जो नुकसान हुआ जानों का, तो उसमें उसको नज़र में रख के वो जो कम परसेंटेज हुई है, कि हमने हाल ही में असेंबली इलेक्शन लड़ा और पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, तो वी आर अ पार्टी विच इज इमर्जेड विद 70% मैंडेट, 70% पोलिंग उस वक्त हुई है। तो हमारे लिए भी ये चैलेंज है कि पार्टिसिपेशन बढ़नी चाहिए, नौजवानों ने जो बायकॉट किया कल और या पथराव किया या जिनकी नौजवानों में गुस्सा है, आक्रोश है, जेन्युइन सा गुस्सा है जो लास्ट ईयर अनरेस्ट हुआ है, तो हमें थोड़ा वक्त चाहिए